तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पिछला वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, और जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए वीडियो देखिए और कमेंट में जरूर बताइए। गाइज, आज आप लोगों को दिखाता हूँ भटाट बाजार का मार्केट, जो कि गोरखपुर के जिले में शायद ही ऐसा मार्केट कभी आप लोगों ने देखा होगा। हम बात कर रहे हैं भटाट बाजार की, ना ही आप लोगों ने देखा होगा और ना ही सुना होगा। यहाँ बहुत ही बड़ा मार्केट लगता है, मानो जैसे मेला लगता हो। तो आइए चलिए चलते हैं, आप लोगों को मार्केट दिखाते हैं। पहले डाउट क्लियर कर दूं, इधर सब्जी वगैरह बिकता है, दाल वगैरह सब्जी, दाल और कपड़े वगैरह, और इधर फल और मांस मछली बिकता है। तो सारी चीजें दिखाएंगे, तो आइए चलिए चलते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, और एक चौथा हिस्सा ये है जो कि यहाँ केवल भेली बिकता। और ये देखो, अभी भेली बिक ही रहा है, ये देखो। भेलिया कैसी बा? कितना चाहिए बाबू? कैसी बा? 240 रुपए पसेरी। पसेरी, पसेरी में 5 किलो आ गया। एक पसेरी में 5 किलो, समझ रहे हो? तो मैं केवल रेट जानना चाहता था, धन्यवाद। ठीक है भाई। ये हिस्सा जो है, यहाँ केवल कपड़ा लगता है। ये देखो, पूरा कपड़े का मार्केट यहाँ से वहाँ तक। आओ और सारी चीजें भी दिखाता हूँ। वहाँ जितने सारे हैं, सारे दाल वगैरह बिकते हैं। और ये देखो, अभी भी दुकान लग रही है, ये देखो अच्छी तरीके से। एंड आगे थोड़े दूर चलने पे फिर यहाँ नमक का ताता लग जाता है। यहाँ से वहाँ तक मतलब पूरा बैकग्राउंड में नमक ही नमक है। ठीक है, ये एरिया जो पड़ता है, यहाँ केवल झाड़ू मिलती है, यहाँ यहाँ और वहाँ। ये देखो ऐसे, यहीं से मसाला का सिस्टम पूरा स्टार्ट है। ये एक चौथाई मसाला बिकता है यहाँ पूरा। ये देखो अच्छे से, ये देखिए पूरा मसाला। अब इसके पार जाएंगे तो सारी सब्जियां आएंगी, ये सारी चीज़ें कैप्चर करेंगे, मज़ा बहुत आएगा। और ये देखिए दाल वगैरह, अब यहाँ से स्टार्ट होता है हरी सब्जियों का मार्केट भाई। और यहाँ से हरी सब्जियों का मार्केट स्टार्ट होता है। ये देखो, ये देखो आलू प्याज, और वहाँ ट्रक वगैरह लगे हुए हैं जो कि इनको थोक में चाहिए 10 बोरा 20 बोरा, वहाँ से लेते हैं। और चलो चलते हैं वहाँ दिखाते हैं। देखो ट्रक का ट्रक, यहाँ माल बिकता है, ट्रक का ट्रक पूरा। आलू केरबा, आलू केरबा बोरा मिलेगा 1150 रुपये बोरा। आलू लाल लाल लाल, आलू के आलू कितना रुपया बोरा? 1150 रुपया बोरा। प्याज? प्याज 2000 रुपया कुंटल भाई, देख रहे हो 2000 रुपया कुंटल, क्या कर सकते हो। और ये देखो, तो भाई देखिए आप लोग, मैं आ गया हूँ रोड पे, और रोड पे लट्ठा वगैरह सारा चीज मिलता है। और ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है लट्ठा वगैरह, और लट्ठा वगैरह यहाँ तो कम लगता है लेकिन उस साइड में ज्यादा लगता है। सारी चीजें कैप्चर करेंगे आप लोग। चलिए अब बारी है इस साइड की, और रोड पे केवल नींबू मिर्चा आदि सब कुछ मिलेगा। ये देखिए, यहाँ से वहाँ तक पूरा नींबू का डिपार्टमेंट है। देखिए लट्ठा वगैरह सारा चीज़, नमकीन वगैरह लट्ठा, और यहाँ से स्टार्ट होता है फल वगैरह का काम, फल की मार्केटिंग यहाँ से। ये देखिए, रईस रईस, ये और फिर उसके बाद वहाँ जाएंगे तो हरी सब्जी मिलेगी, उसके बाद नॉनवेज वगैरह, जो कि मैं नॉनवेज खाता नहीं हूँ इसलिए वहाँ वीडियो शूट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन दूर से ही दिखा दूंगा। लट्ठा वगैरह का जिस मैं बात कर रहा था वो यहाँ से स्टार्ट होता है। ये देखो ऐसे आप लोग देखिए, यहाँ थोक में आपको मिल जाएगा लट्ठा वगैरह। ठीक है, ये देखिए भैया लट्ठा कितने रुपये है? 30 रुपये पर पूरा किलो। अगर 5 किलो लेना चाहे तो कितना पड़ जाएगा? 5 किलो लेना चाहे तो कितना पड़ जाएगा? 100 रुपया, 100 रुपया मतलब केजी बताए हैं वो। 30 रुपये पर हुआ 100 रुपया केजी, समझ रहे हो? और 5 किलो लेना चाहो तो 500 में हो जाएगा तुम्हारा। बाकी अब चलते हैं हरी वाली सब्जियों मतलब मार्केट में। यहाँ से होती है हरी सब्जी की स्टार्टिंग, लाल गुलाल आलू मिल जाएगा। अभी तो मार्केट फिलहाल पूरा लगा नहीं है, और भीड़ में वीडियो अच्छे तरीके से शूट नहीं हो पाता, मैं बता भी नहीं पाता, लेकिन अच्छे तरीके से यहीं से कैप्चर कर लेंगे क्योंकि सुबह का टाइम है, और अच्छे तरीके सारे लोग भी जवाब भी दे देंगे, किसी से पूछूंगा। ठीक है, और ये देखो
यहाँ से यहाँ तक पूरा हरा सब्जी का मार्केट है। और जैसे ही ये मैं पार करूँगा फिर नॉन वेज का आ जाएगा ये, जहाँ मछली वगैरह मुर्गा उर्गा कटता है, तो मैं तो खाता नहीं हूँ इसलिए मैं जाता नहीं हूँ। ये नॉन वेज कह रही है, यहाँ मछली वगैरह और बकरा वगैरह सारा कुछ मिलता है। बट ठीक है, यहीं से दिखा देते हैं, यहीं से आप लोग देख लो, ठीक है। तो यही था भटाड़ मार्केट का पूरा रिव्यू, और व्यू कैसा लगा है जरूर बताना। तो वीडियो करते यही एंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो बाय।